हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। आइए आज बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे जिसके बारे में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। मूवी का नाम है कश्मीर फाइल्स और ये मूवी ये डिपिक्ट करती है कि 1990s में कैसे कश्मीरी पंडित्स पे हुआ था वायलेंस और कैसे उन पे टेररिज्म के अटैक्स हुए थे, जिसके चलते वो बेचारे अपने ही देश में एक रेफ्यूजी बन के रह गए थे। हालांकि आज तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित या कश्मीर के बारे सिर्फ थोड़ी मोड़ी बात ही होती है, बट फाइनली एक नई किरण दिखी है इस चीज में। अमेरिका का एक स्टेट है रोड आइलैंड, जो स्टेट हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आता है और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जेनोसाइड होता है तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करने वाला रोड आइलैंड ही होता है। तो रोड आइलैंड ने ऑन पेपर ये साफ साफ कह दिया है कि हाँ, वो एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ था 1900s में बाय द कश्मीरी टेररिस्ट। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि आज अगर एक स्टेट कर रहा है तो धीरे धीरे अमेरिका के बाकी सारे स्टेट्स भी इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, और जितना ज़्यादा वो एक्नॉलेज करेंगे उतना ज़्यादा हम स्ट्रांग होंगे यूएन में, और उतना ज़्यादा हम स्ट्रांगली यूएन में इस बारे में बात कर पाएंगे और चर्चा कर सकेंगे। इन सब के अलावा अभी तक 4 स्टेट्स में कश्मीरी फाइल्स जो मूवी है वो है टैक्स फ्री, जिसका साफ साफ इंडिकेशन ये है कि सरकार बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड है और सरकार चाहती है कि लोग इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखें ताकि हम सब अपनी हिस्ट्री को जाने और जाने कि एक्चुअली में हुआ क्या था। और ये हमारा भी रिकमेंडेशन होगा कि आप सब जाके कश्मीरी फाइल्स देखें, क्योंकि हमें अपना पास्ट और हमें अपना इतिहास को ज़रूर याद रखना चाहिए, वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। खासकर किसी भी देश में कोई भी सिटीजन को अपने ही देश में रेफ्यूजी होने की फीलिंग कभी फील नहीं करनी चाहिए। एक और पॉजिटिव फैक्ट अबाउट द मूवी ये है कि इस मूवी में कोई भी अनअडल्ट्रेटेड फैक्ट नहीं है, सब रॉ एंड हार्डकोर ट्रूथ है। जो हुआ था सिर्फ वो ही सच सच दिखाया है। इस मूवी में कोई बड़े हीरोज नहीं है, कोई तमकता धमकता, कोई ग्लैमर कुछ नहीं है। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से बनी थी और बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि वो मकसद ये मूवी बहुत आसानी से क्लियर कर जा रही है। ये मूवी का अभी तक रेटिंग और अभी तक पब्लिक को ये मूवी इतनी अच्छी लगी है कि लोग सिर्फ फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ जाके मूवी देख रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं। हो कह रहा है कि कोई एक आदमी अगर जाके मूवी देख रहा है वो तो जाके 10 लोगों को और बोल रहा है कि उसने ये मूवी देखी, उसे बहुत अच्छी लगी, जिसके चलते वो 10 लोग आके मूवी देख रहे और 10 लोग देख रहे हैं। तो इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। अब आप ही सोचिए, अगर कोई मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि लोग आके आपको बोल रहे हैं कि जाके देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस मूवी का क्या लेवल होगा या फिर क्या डेडिकेशन से डायरेक्टर ने बनाई है इस मूवी को। जब हम डायरेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे इस मूवी के डायरेक्टर का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि सिर्फ उनकी एक छोटी मूवी के चलते रोड आइलैंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सच में जेनोसाइड हुआ था और ऑन पेपर इसका रिकॉर्ड भी है। दरअसल बात इतनी है कि 1990s में बढ़ते टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के चलते कश्मीरी पंडित को खुद अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट्स आना पड़ा सेटल होने। कश्मीर में एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन था जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करता था और हमेशा वैली में अनरेस्ट आता था। इन लोगों का मकसद यही था कि कश्मीर को तोड़ के भारत से अलग कर लें, जिसका मेन लीडर था यासिन मलिक। बहुत टाइम तक यासिन मलिक को बचाने की कोशिश की गई है प्रीवियस सरकारों के द्वारा, बहुत बार उन्हें प्रीवियस PM से हाथ मिलाते हुए भी देखा गया, बट फिर कुछ साल बाद उसे पकड़कर तिहाड़ जेल में डाल दिया और फिर फाइनली जाके भारत सरकार ने भी ये बात रिकग्नाइज की कि हाँ, 1990 के दशक के आसपास और उसके बाद में कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ। खैर, आज तो ये सिर्फ एक मूवी निकली है, हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे सारा सच सामने आए और जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है या फिर जिन लोगों ने अपनी ज़मीन खोई है उन्हें उनका जस्टिस वापस मिले और उन्हें जो खोई हुई इज्जत है और जो इतना झेलना पड़ा है ये किसी और को झेलना ना पड़े। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जी हाँ, कश्मीर फाइल ज़रूर जाके देखिए थिएटर्स में। थैंक यू।